नमस्कार, मैं तनुबोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां सामाजिक एकता व सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित सुपरस्टार ऑफ द ईयर सीजन 6 के व जश्नेताज सीजन 3 का ऑडिशन आगरा में होली लाइट पब्लिक स्कूल में रखा गया, जिसमें डांस दीवानों ने सेलिब्रिटी किरण कोहली जी फाइनल शो में आएंगे। इस शो में डांस व मॉडलिंग में 300 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी के महानगर मंत्री हेमंत बोजवानी जी ने किया। कार्यक्रम के अतिथि रहे राज दुबे जी, अनिकेत, तुषार शर्मा, पवन अग्रवाल आदि रहे, और डांस का जजमेंट सुनील धीरज सिंह, टॉनी फास्टर, मॉडलिंग जज दीपक अवरानी जी रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष एकता जैन ने बताया कि यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, उनको आगे ले जा सके। इसके लिए स्पेशल गेस्ट ललित कुमार जी भी उपस्थित रहे। टीम में राहुल, निखिल, सनी, विकी नागर, योगिता, सूरज जैन, तनिष्का जैन, दानिश खान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को सुपर बनाने के लिए आमिर दीवाने का भी पूरा सहयोग रहा। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। आगरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों को करनी सेना के समस्त पदाधिकारियों का नमन। मेरे साथ सीधात को दाएं हाथ पर भी बैठे हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उमेश सिंह करीरी, राजस्थान से हैं। और पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता है, कर्मी सेना में लगातार अपना समय देता है। और सर मनोहर सिंह घोड़ीवारा है, झुंझुनू से हैं, राजस्थान से, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और सर सुमेर सिंह तंवर जो दाएं हाथ को बैठे हैं वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मेरे बाएं हाथ में सुरेंद्रपाल सिंह चौहान, उनका बिल्लू कहते हैं हमारे इलाके में, मेरे मित्र भी हैं, हमारे साथ बैठे हैं। आज हमने मुख्य सलाहकार के रूप में आगरा से डायमंड को छाटा है, रविंद्र पाल सिंह टिम्मा। कर्णी सेना में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे एडवाइजर के रूप में हम इनका सहयोग लेते रहेंगे। हमने अनुरोध किया है कि हमें सलाह दें। उत्तर प्रदेश की प्रभारी, कैमरा थोड़ा सा घुमा दें, अच्छा अच्छा फोन आ गया। शिखा सिंह चौहान जो कर्णी सेना की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी, उनके साथ ही अजय सिंह अयोध्या से जो संगठन के महामंत्री हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अनेक अनेक साथी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पंडा जी हमारे प्रमुख समाज सेवी आगरा से, और अनेकों अनेक साथी दिग्विजय सिंह मथुरा से, इनके पूर्व, इनके पिताजी पूर्व विधायक से, वहाँ से जुगनो जोगिंदर को पत्रकार मित्रों को एक बार इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं, परंतु हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाल रहे मथुरा से योगी ठाकुर। मुझे मालूम आज पत्रकार बीजे चुनाव है नहीं, मेरा मित्रों का इंट्रोडक्शन कराना है कि पूरी टीम आपके आगरा में आई है, और अनेकों अनेक साथी बुंदेलखंड से वगैरह वगैरह। उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कर्णी सेना का विस्तार, उसी विस्तार के रूप में कर्णी सेना आज आगरा में राष्ट्रीय मंत्री, जिसे आप नेशनल सेक्रेटरी भी कहते हैं कर्णी सेना में, उसके रूप में यहाँ पर जोगिंदर सिंह चौहान जो पीछे खड़े हैं उनको आज हम नियुक्त कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति के लिए और कर्णी सेना के विस्तार के लिए आगरा मंडल के अंदर और ब्रज क्षेत्र के अंदर और कर्णी सेना बढ़े, उत्तर प्रदेश के अंदर और बढ़े, उसके कार्यक्रम को लेकर आज हम मथुरा में थे। मथुरा से पहले जब हरियाणा से आ रहे थे तो कई भैया शांत करो जरा इनको, अनेकों अनेक जगह कर्णी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। मुझे गर्व इस बात का है कि उत्तर प्रदेश से मेरा नाम आएगा। कर्णी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर पद्मावत के समय जिस प्रकार का उन्होंने प्रदर्शन किया और जो भी सरकार उस समय रही उनकी दमनकारी नीतियों के कारण अनेकों अनेक कर्णी सैनिकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तुरंत प्रभाव से कर्णी सैनिकों के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हुए वो सरकार वापस ले, पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा, कर्णी सेना का विस्तार
जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चल रहा है, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी हैं और अनेक अनेक जिलों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, उसी विस्तार को लेकर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस करनी सेना का विस्तार करेंगे। करनी सेना एक किसी जाति विशेष का संगठन नहीं, ये सर्व समाज का संगठन। हम लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। हमारा मकसद है कि हम करनी सेना के माध्यम से पत्रकार मित्रों के सहयोग से जो सामाजिक कार्य हैं उनको करें, परंतु इतिहास को तोड़ने का काम कोई भी, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे जो सत्ताधारी दल हो, चाहे विपक्ष वाला हो, अगर हिंदुस्तान के इतिहास के साथ कोई भी खिलवाड़ करे, चाहे कोई बॉलीवुड का व्यक्ति या कोई और भी, अगर हिंदुस्तान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। पहली बात, बहनों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमने पद्म और फिल्म के समय जो विरोध किया वो एक ऐतिहासिक था। ऐसे इस प्रकार से एक डोटासरा राज्य मंत्री है जो उत्तर प्रदेश राजस्थान के, उन्होंने अभी बयान दिया कि जो किताब है जौहर को लेकर, जो रानी पद्मावत के जौहर को लेकर जो किताब है उसके अंदर जौहर की जो कहानियाँ सुनाई गई है उसको हटाने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। हम लोगों की चेतावनी के कारण राजस्थान सरकार बैकफुट पर गई। जो चार दिन पहले जौहर के कारण गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, बहन बेटियों में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, हम उसको हटाना चाहते हैं। करनी सेना ने उसका भरपूर विरोध किया जिसके कारण राजस्थान की गवर्नमेंट ने अपने शब्दों को वापस लिया। अब इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। एक बार वो कहते हैं राजस्थान के अंदर वीर सावरकर को लेकर छेड़छाड़, वो महाराणा प्रताप महान था या अकबर महान था उसको लेकर छेड़छाड़, अब इनका बात तय करेगा क्या कि कौन महान था कौन नहीं था? इतिहास सब जानते हैं, महाराणा प्रताप को हमारा आप सब पूछते हैं। हिंदुस्तान के उस वीर को अपमानित करने का अगर कोई भी काम करेगा तो करनी सेना के लोग उसके गले में जूता डालकर उसका मुंह काला करके घुमाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी अगर इस प्रकार का कोई बयान देता है या कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है तो निश्चित तौर पे हम उसका जवाब देंगे। हम लोग किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं हैं, हम लोग मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, ऐतिहासिक मुद्दों पर काम करना है और करेंगे। ये मेरी बात ही, अपना कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।